हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएसआई वर्सेस एसएसआर। ओएसआई का क्या काम होता है अमेडियस में और एसएसआर का क्या काम होता है अमेडियस में, और वो कौन सा सिचुएशन है जब हमें ओएसआई और एसएसआर का अमेडियस में इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए ओएसआई का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं अदर सर्विस इंफॉर्मेशन। एक ओएसआई को पीएनआर में कब हम डालते हैं? जब आप पैसेंजर के बारे में ये जानते हैं कि पैसेंजर वीआईपी है, पैसेंजर चाइल्ड है और अकेले ट्रेवल कर रहा है, पैसेंजर ब्लाइंड है, उसको एयरपोर्ट पे हेल्प चाहिए, इन सब केसेस में हम इंफॉर्मेशन एयरलाइन को पास करते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन आप एयरलाइन को पास करते हो पीएनआर के थ्रू, तो एयरलाइन को मैसेज मिल जाता है कि पर्टिकुलर पैसेंजर इज अ वीआईपी या सीआईपी। सीआईपी का मतलब होता है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पैसेंजर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस टाइकून जो बहुत बड़े सीईओ हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी के, तो आमतौर पे ये इंफॉर्मेशन हमें पीएनआर बनाते समय देना चाहिए। और जब आप पीएनआर बना रहे होते हैं तो इसको ओएसआई एलिमेंट में हमें इसे डालना होता है। आप इसको पैसेंजर के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, और आप चाहे तो कोई चाइल्ड अगर अकेले ट्रैवल कर रहा है तो उनके मम्मा का नाम, उनके पापा का नाम, उनके पापा का फोन नंबर, उनके मम्मा का फोन नंबर, आप ये चीजें डाल सकते हैं। तो ओएसआई का जब आप इंफॉर्मेशन डालते हो तो इसमें आपके अमेडियस से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके एयरलाइन के पास इंफॉर्मेशन जाती है। अब हम बात करेंगे एसएसआर का। एसएसआर का मतलब होता है स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट में आप व्हीलचेयर, नील्स या किसी तरीके की सर्विस की आपको रिक्वेस्ट चाहिए, वो आप इस कमांड के थ्रू डालते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एसएसआर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बताता हूं, ओएसआई के लिए आपको एयरलाइन को कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं एसएसआर में एयरलाइन को आप जो सर्विस आपको एयरलाइंस प्रोवाइड करने जा रही है उसके लिए एयरलाइंस को प्रिपरेशन करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक डायबिटिक पैसेंजर हैं या आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप एयरलाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे वेजिटेरियन लो सॉल्ट मील चाहिए, या आप एयरलाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ऑयल फ्री फैट फ्री मील चाहिए। तो एयरलाइंस को ये सारी इंफॉर्मेशन एडवांस में चाहिए। और याद रखिए, ये सर्विस है, तो आप अपने सर्विस के लिए जब आप रिक्वेस्ट डालते हो एडवांस में तो एयरलाइंस इसको कंफर्म करती है तो ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देती है। अब ओएसआई में क्या होता है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हो कि ये पैसेंजर फलाना पैसेंजर वीआईपी है, सो जस्ट टेक केयर। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है। अगर आप किसी जॉब में जाते हैं तो इंटरव्यू में एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन होता है, वो पूछते ही पूछते हैं, वो ऐसे करके आपसे पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएसआर एंड ओएसआई। तो आपको जो आंसर देना है वो बोलना है, एसएसआर स्टैंड्स फॉर स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट। फॉर स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट, जैसे कि मील या व्हील चेयर की रिक्वेस्ट हम डाल सकते हैं। अब ओएसआई में आप बोल सकते हैं कि इट्स अदर सर्विस इंफॉर्मेशन और दिस इज यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पैसेंजर वीआईपी एंड अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है। तो एसएसआर में आप व्हील चेयर या आप मील की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बहुत सारे एसएसआर के एलिमेंट होते हैं जो सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओएसआई की हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सिस्टम पे पीएनआर में हम डाल के देखते हैं कि ओएसआई की इंफॉर्मेशन कैसे डाला जाता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, एक पैसेंजर है मास्टर फ्रेंको अविनिया, एक चाइल्ड है और ये पैसेंजर अकेले ट्रेवल कर रहा है। तो जब ये पैसेंजर अकेले ट्रेवल करेगा तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन एयरलाइंस को पास करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले नाम की एंट्री करके दिखाता हूं आपको, अविनिया स्लैश फ्रेंको
उसके बाद हम लिखेंगे मास्टर चाइल्ड के केस में, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सीएचडी लिखेंगे। मैं नेम की एंट्री के ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप उसे देख सकते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ है 16th of February, ओके 03। फॉर ट्रेनिंग पर्पज के लिए हमने 03 लिया है। ओके अब ये बच्चा अकेले ट्रेवल कर रहा है। अब हमें इसमें OSI एलिमेंट डालना है, तो OSI के लिए हम इस्तेमाल करेंगे OS। और अगर ये पैसेंजर मल्टीपल एयरलाइंस में ट्रेवल कर रहा है, लाइक कनेक्टिंग फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है, तो आप ये इंफॉर्मेशन अगर आप एयरलाइंस को पास करना चाहते हैं तो आपको YY इस्तेमाल करना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो YY है ये सारे एयरलाइंस को इंफॉर्मेशन पास करेगा जो PNR में मौजूद है। अदरवाइज अगर ये मान लीजिए ब्रिटिश एयरवेज से ट्रेवल कर रहा तो आपको यहाँ पे BA डालना है, और अगर ये एयर इंडिया में ट्रेवल कर रहा तो आपको AI डालना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ YY डाल रहा हूँ सो दैट ये इंफॉर्मेशन सारे एयरलाइंस को चली जाए जो PNR में मौजूद है। अब हम बातें करेंगे, स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद हम ये मैसेज दे रहे हैं कि जो सेंडर है, सेंडर इज मदर, ओके। और मैंने मदर का नाम लिखा मिस मारिया अविनिया। अब देखिए ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने सिर्फ ओएस लिखा था लेकिन ये आई अपने आप अप आ गया। इट मीन्स अदर सर्विस इंफॉर्मेशन। अब मैं इनकी ममा का नाम लिखने जा रहा हूं, OSYY से स्पेस CTCH। ये वैसे फ्री टेक्स्ट होता है, यहाँ के बाद फ्री टेक्स्ट है, जो भी लिखेंगे सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। बट एक फॉर्मेट अगर आप फॉलो करेंगे तो एयरलाइन को भी अच्छा रहेगा और आपका जो काम होगा वो भी प्रोफेशनली तरीके से काम होगा। तो मैं यहाँ पे CTC का मतलब होता है कॉन्टेक्ट, टच का मतलब हो गया होम, और मैंने मिलान का फोन नंबर लिया है और 02 2 सॉरी 02 5 6 5 एंड 3 3 2 0, और मैंने लिखा MOTHER। ये टेक्स्ट है, देख सकते हैं सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो रिसीवर है, जो इस बच्चे को एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा वो कौन है। तो मैं फिर से लिख रहा हूं OSYY, और मैंने लिखा स्पेस दिया रिसीवर इज फादर मिस्टर रॉबर्टो अविनिया। तो आपने देखा कि मैंने मम्मी का नाम लिखा, मम्मी का फोन नंबर लिखा, पापा का नाम लिखा, पापा का भी फोन नंबर हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे पापा का फोन नंबर लिख रहा हूँ OSYY। अगेन मैंने लिखा CTCH, और इनके पापा न्यूयॉर्क में रहते हैं तो मैंने न्यूयॉर्क का फोन नंबर डाला है, ओके। और मैंने लिखा यहाँ पे फादर। सो इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। अब आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल डाल के दिखाता हूँ जिसमें पैसेंजर VIP है, तो VIP की इंफॉर्मेशन हम कैसे डालते हैं वो सीखने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक PNR रिट्रीव किया है, इसमें आपको दो पैसेंजर दिख रहे हैं। यहां पे मैं नाम बता दो, मिस्टर एजकार और मिसेस एजकार, ये दो पैसेंजर है। अब जो फर्स्ट पैसेंजर है मिस्टर एजकार, ये VIP है, तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन डालनी है और हमें एयरलाइन को बताना है दिस पैसेंजर इज अ VIP पैसेंजर। तो फिर से हम क्या करेंगे OS। अब आप लोग बताइए क्या डाले, YY डाले या BA डाले। अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको हार्ट दूंगा। तो हमने लिखा OS और हमने लिखा यहाँ पे BA, स्पेस दिया, तो हमने लिखा VIP टॉप एडवाइजर ADVISER, और हमें इसे पैसेंजर से एसोसिएट करना है। फर्स्ट पैसेंजर है, यहाँ लिखेंगे P और हम यहाँ लिखेंगे 1 और हम इसे एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं सिंपली सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको एक्सेप्ट कर लिया। OSI BA मींस ब्रिटिश एयरवेज, VIP टॉप एडवाइजर, तो ये जो मैसेज है ये मैसेज डायरेक्ट ब्रिटिश एयरवेज को जाएगा। इससे पहले जो हमने बच्चे के नाम की एंट्री की थी उसमें हमने YY लिया था, तो YY का मतलब सारे एयरलाइंस को मैसेज जाएगा, और यहाँ पे BA का मतलब ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज के पास जाएगा। और अगर आप किसी सर्विस की रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक मील की रिक्वेस्ट करते हैं या व्हील चेयर के रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसको मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, सो दैट जब आप पैसेंजर की बुकिंग बना रहे हो और पैसेंजर कोई मील की रिक्वेस्ट करता है या VIP सॉरी व्हील चेयर की रिक्वेस्ट करता है या मील की रिक्वेस्ट करता है, तो हम उसको कैसे प्रोसेस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर OSI, दैट इज अदर सर्विस इंफॉर्मेशन। आप इस कमांड का इस्तेमाल कीजिए एंड डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से हम ADS में PNR बना सकते हैं।